Let's improve English. Hello everyone. Welcome to Let's Improve English. Friends, इस वीडियो से भी आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होने वाली है. आप कुछ फ्रेजेस को यूज करना सीखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, अच्छे से वर्ड्स को हम कैसे सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं आप इस वीडियो से सीखेंगे सेंटेंसेस के थ्रू. देखिए पहला सेंटेंस, तुमने मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है. इंग्लिश में इसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? यू हैव प्लेड फास्ट एंड लूज विद माई फीलिंग्स. टू प्ले फास्ट एंड लूज ये एक idiom होता है जिसका मीनिंग है टू एक्ट irresponsibly और thoughtlessly towards someone or something. किसी चीज के प्रति या किसी इंसान के प्रति गैर जिम्मेदारी दिखाना या बिना सोचे समझे व्यवहार करना, ढंग से ट्रीट ना करना किसी को. यानी कि यू हैव प्लेड फास्ट एंड लूज विद माई फीलिंग्स. वन मोर एग्जाम्पल, वो मेरे पैसे यूं ही उड़ाती है, मतलब थॉटलेसली उड़ाती है, इरेस्पॉन्सिबली उड़ाती है. शी प्लेज फास्ट एंड लूज विद माई मनी. क्यों इस पेन से खेले जा रहे हो? होता है ना ऐसा कि बच्चे पेन ले लेते हैं हाथ में और फिर पेन को घुमा रहे हैं, उससे खेल रहे हैं. कुछ भी चाबियां आपके हाथ में है तो फिर चाबियों से खेलने लग जाते हैं. तो उस तरीके से उस चीज को छेड़ते रहने को हम इंग्लिश में फिडल करना कहते हैं. व्हाई आर यू फिडलिंग विद द पेन? व्हाई आर यू फिडलिंग विद द पेन? तो यहां पर फिडल का मतलब है क्यों पेन से खेले जा रहे हो, फिडल क्यों कर रहे हो पेन से. वो जरूरी कागजों में हेरा फेरी करता आ रहा है. हेरा फेरी करता है, वो हेर फेर करता है अपने फायदे के लिए. तो इसे भी हम फिडल कहते हैं. ही हैज बीन फिडलिंग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स. यानी वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को फिडल करता आ रहा है, उनमें हेरा फेरी करता आ रहा है, अपना फायदा देख रहा है. अब फ्रेंड्स, फिडल का मतलब बहुत मुश्किल भी होता है. इफ समथिंग इज अ फिडल दैट मीन्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू. जैसे मुझे कंप्यूटर असेंबल करना बहुत मुश्किल लगता है. भाई कहाँ हार्ड डिस्क जाएगी, कहाँ ग्राफिक्स कार्ड और कहाँ ये रैम और फैम, पता नहीं क्या से क्या उसे कह सकते हैं. I find assembling a computer a fiddle. That means if something is a fiddle, it is very difficult. So a fiddle. और friends, आपको मैं बता दूं कि fiddle एक तरह का musical instrument भी होता है, जिसे हम violin कहते हैं. So violin को भी हम fiddle कह सकते हैं. एक ही वर्ड के अलग अलग मीनिंग होते हैं. सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें उसके मीनिंग को यूज करना है और मीनिंग को समझना भी है. तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? उसका तो सुबह से मुंह बना हुआ है. यानी तुम नाराज क्यों हो, रुष्ट क्यों हो, रूठे क्यों हुए हो कह सकते हैं. Why are you sulky? इसे sullen भी कह सकते हैं. Why are you sullen? इसका भी मतलब है क्यों रूठे हुए हो. उसका तो सुबह से मुंह बना हुआ है. She has been sulky since morning. तो फ्रेंड्स, sulky का मतलब होता है बहुत रूठे हुए होना, किसी से बात करने का मन नहीं करना. So she has been sulky since morning. सुबह से मुंह बना हुआ उसका, सुबह से नाराज बैठी है. फ्रेंड्स, इसका वर्ब फॉर्म होता है sulk. Sulk को एज अ वर्ब हम यूज कर सकते हैं. जैसे what are you sulking about? यानी किस बात के लिए मुंह बना रखा है, अब क्या परेशानी है, क्यों रूसे हुए हो, क्यों रूठे हुए हो. What are you sulking about? क्या वजह है, किस चीज के बारे में sulk कर रहे हो. यहाँ पे sulk एक verb की तरह यूज हो रहा है और ऊपर आपने देखा इसका adjective form sulky. वो कभी कभी चिड़चिड़ा हो जाता है, उसे गुस्सा जल्दी आ जाता है, कह सकते हैं He sometimes becomes surly. Surly का मतलब चिड़चिड़ा. अब फ्रेंड्स, आप देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स आपको बताता हूं जिनका मतलब यही होता है, चिड़चिड़ा, कोई ऐसा इंसान जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है. तो उसे हम क्या क्या कह सकते हैं? बैड टेम्पर्ड, शॉर्ट टेम्पर्ड, इरिटेबल, ग्रम्पी, क्रैंकी. और तो और फिर हम इसको शॉर्ट टेम्पर्ड बोल रहे हैं ना, इसको हम क्विक टेम्पर्ड भी बोल सकते हैं, हॉट टेम्पर्ड भी बोल सकते हैं. पता नहीं कौन कौन से टेम्पर लग जाते हैं. सबका मीनिंग है कि वो बड़ा ही मूड उसका ऐसा है, कोई इंसान ऐसा है जो एकदम चिड़चिड़ा है, उसको जल्दी गुस्सा आ जाता है. सो ही इज बैड टेम्पर्ड, शॉर्ट टेम्पर्ड, इरिटेबल, ग्रम्पी, क्रैंकी. तो आप अलग अलग सिचुएशंस में हमेशा अलग अलग वर्ड्स यूज कर सकते हैं अपने कॉन्वर्सेशंस को और ज्यादा इंप्रेसिव बनाने के लिए. तो फ्रेंड्स, इन वर्ड्स को जरूर याद रखना. याद कैसे रहेंगे? ऐसे याद नहीं रहेंगे. इरिटेबल 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 इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है जिसका जिसको गुस्सा आता है, जिसको गुस्सा आता है. ऐसे कभी याद नहीं होते, बल्कि आपको सेंटेंसेस बनाने हैं. जितने सेंटेंसेस बनाएंगे उतने आपकी वोकैबुलरी, जो पैसिव वोकैबुलरी बनी हुई है, वो एक्टिव वोकैबुलरी बनेगी और फिर आप उसको सच में यूज करेंगे अपने कॉन्वर्सेशंस में. वो मेरी तरफ रूखा व्यवहार करता है.
वो मेरी तरफ रूखा व्यवहार करता है, इसका मतलब ढंग से बात नहीं करता मुझसे, बदतमीजी करता है. He behaves in a surly manner towards me. He behaves in a surly manner. So यहाँ पे surly का मतलब है वो रूखा व्यवहार करता है, वो ढंग से व्यवहार नहीं करता है, अच्छे से बिहेव नहीं करता है. So surly यहाँ पे एडजेक्टिव ही है, मैनर को डिस्क्राइब कर रहा है. He behaves in a surly manner. यहाँ का मैनेजर बहुत बदमिजाज है, बहुत बदमिजाज है, यानी कि वो किसी से ढंग से बात नहीं करता, रूखा व्यवहार करता है. द मैनेजर इन दिस ऑफिस इज सर्ली, ही इज सर्ली. सो सर्ली का मतलब होता है चिड़चिड़ा होना, रूखा होना, ढंग से बात ना करना किसी से. जो अगर किसी से ढंग से बात ना करे तो उसे हम कहते हैं कि वो सर्ली है. वो अपनी ही दुनिया में रहती है, भाई वो तो अपनी ही दुनिया में रहती है, उसकी क्या कहें. कह सकते हैं शी लिव्स इन अ वर्ल्ड ऑफ हर ओन. सो इंग्लिश में ये एक फ्रेज होता है, इफ यू लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ योर ओन, इफ यू आर इन द वर्ल्ड ऑफ योर ओन, दैट मीन्स यू जस्ट डोंट केयर अबाउट वॉट एवर इज हैपनिंग अराउंड यू, यू डोंट केयर अबाउट दैट एंड यू डोंट नो मच अबाउट दैट, यू आर जस्ट ओनली कंसर्न अबाउट योर सेल्फ, दैट मीन्स यू आर इन अ वर्ल्ड ऑफ योर ओन. जैसे उसे नहीं सुनेगा, वो अपनी दुनिया में खोया हुआ है, उसे नहीं सुनेगा अभी, तो कह सकते हैं ही वॉन्ट हियर, ही इज इन अ वर्ल्ड ऑफ हिज ओन, ही इज इन अ वर्ल्ड ऑफ हिज ओन, यानी वो तो अपनी ही दुनिया में है, उसे नहीं सुनेगा. मैं ये आपके ही फायदे के लिए कह रहा हूं, कह सकते हैं आई एम सेइंग दिस फॉर योर बेनिफिट, मेरा कहा करने से तुम्हें बहुत फायदा होगा. तो यहाँ पे बेनिफिट को हम एज अ वर्ब भी यूज कर सकते हैं, सिर्फ नाउन की तरह से नहीं. जैसे डूइंग वॉट आई से विल ग्रेटली बेनिफिट यू, यानी जो चीज मैं कह रहा हूं अगर वो करोगे तो वो आपको बेनिफिट करेगी. इस तरह से बेनिफिट एक वर्ब की तरह यूज हो रहा है, इट विल बेनिफिट यू, इट विल ग्रेटली बेनिफिट यू, यानी उससे तुम्हें बहुत बेनिफिट होगा. और इस तरह भी कह सकते हैं पीपल बेनिफिट अ लॉट बाय इम्प्रूविंग देयर नॉलेज, यानी अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करके लोगों को बहुत फायदा होता है. सो इफ यू बेनिफिट, इसका मतलब आपको फायदा होता है. बट इफ समथिंग बेनिफिट्स यू, यानी वो चीज आपको फायदा देती है. एंड इफ यू गेट अ बेनिफिट, यानी आपको फायदा मिलता है, यानी बेनिफिट को वर्ब की तरह और नॉन की तरह हम यूज कर सकते हैं. कपड़े उल्टे करके टांगो, होता है ना ऐसा, जब कपड़े धोते हैं तो उसके बाद उनको उल्टा किया जाता है ताकि वो जल्दी सूख जाए अच्छे से. टर्न द क्लोथ्स इनसाइड आउट बिफोर हैंगिंग देम, यानी उन्हें लटकाने से पहले, टांगने से पहले टर्न देम इनसाइड आउट, इनसाइड आउट. अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इनसाइड आउट मतलब अंदर की चीज बाहर, यानी कि कपड़ों को उल्टा कर दो. सो टर्न द क्लोथ्स इनसाइड आउट बिफोर हैंगिंग देम. इनसाइड आउट का एक और मीनिंग होता है, इस सेंटेंस में आप समझिए, मैं तो इस शहर का चप्पा चप्पा जानता हूं, यानी इस शहर को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं. आई नो दिस सिटी इनसाइड आउट. सो इफ यू नो समथिंग इनसाइड आउट, दैट मीन्स यू नो द डिटेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. मुझे इस बिजनेस की बहुत अच्छी समझ है, यानी कहने का तो यही मतलब बनता है ना कि डिटेल्ड नॉलेज है मुझे, एक्सपीरियंस है, मैं जानता हूं. आई नो दिस बिजनेस इनसाइड आउट. अब फ्रेंड्स आपने देखा कि कपड़ों को उल्टे करो तो इसे हम कहेंगे टर्न द क्लोथ्स इनसाइड आउट. लेकिन आप देखो कपड़ों को ना कई तरीके से उल्टा किया जा सकता है, मतलब दो तीन तरीकों से उल्टा किया जा सकता है. एक तो आपने टी शर्ट को उल्टा पहना है, जो आगे होना चाहिए, बाहर की तरफ होनी चाहिए चीज, वो अंदर हो गई. लेकिन इसे ऐसे भी तो पहन सकते हैं कि टी शर्ट में, जैसे मान लो आपके पास एक शर्ट है, शर्ट में आगे पॉकेट होती है, और आपने शर्ट को ऐसे पहन लिया कि उसकी पॉकेट पीछे चली गई, या आपके जो पैंट्स है, पैंट्स को उल्टा पहन लिया तो जिप पीछे चली गई, प्रॉब्लम हो जाएगी. तो यानी कि ऐसे पहनने को तो हम इनसाइड आउट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अंदर का बाहर थोड़ी हो रहा है उसमें, आगे का पीछे हो रहा है उसमें. तो आप देखिए उसे कैसे कहेंगे, तुमने अपनी टी शर्ट आगे की पीछे, पीछे की आगे पहनी है, उल्टी पहनी है. कहेंगे यू आर वेयरिंग योर टी शर्ट बैक टू फ्रंट. फ्रेंड्स वेयरिंग को हम इस तरह भी कह सकते हैं, यू हैव गॉट योर टी शर्ट ऑन बैक टू फ्रंट, ये ज्यादा स्टाइलिश लगता है बोलने में. इफ यू हैव समथिंग ऑन, दैट मीन्स यू आर वेयरिंग इट, इस तरह से भी इसका मीनिंग होता है. इफ यू हैव समथिंग ऑन, इफ यू हैव अ पीस ऑफ क्लोथिंग ऑन, दैट मीन्स यू आर वेयरिंग इट. और इसको ऐसे भी हम बोल सकते हैं, ओ आई एम सॉरी आई कांट कम, आई हैव समथिंग ऑन दिस इवनिंग, यानी इस शाम को मेरा कोई प्लान है तो मैं नहीं आ सकता हूँ. और हैव सम क्लोथ ऑन, इसका मतलब आपने उसे पहना हुआ है, कुछ कपड़े पहने हुए, यानी कि यू हैव गॉट योर टी शर्ट ऑन बैक टू फ्रंट, तुमने अपनी टी शर्ट उल्टी पहनी हुई है. उल्टी का मतलब जो आगे की तरफ होना चाहिए ना, वो पीछे चला गया है. अब फ्रेंड्स ये तो ऐसा हो गया, अब ऐसा भी उल्टा हो सकता है, एक और तरीके का उल्टा हो सकता है. अब कपड़ों की बात अगर हम छोड़ें तो ऐसा भी हो सकता है, जैसे कोई चीज है उसका ऊपर का हिस्सा नीचे और नीचे का ऊपर. ऊपर का मतलब आप समझिए इस सेंटेंस से,
छोटी कटोरियों को उल्टा करके रख दो। अब कटोरी है ना, बोल कहते हैं जिसे, तो उसको उल्टा करके आप हमेशा किचन में देखेंगे कि कटोरियों को उल्टा करके रखा जाता है, बड़ी सुंदर लगती है ना, फिर वो सुंदर किचन लगता है कि भाई कटोरियां बड़ी सजाई हुई है, उल्टा करके रखते हैं। वैसे रखने को ना हम इनसाइड आउट बोल सकते हैं, ना बैक टू फ्रंट बोल सकते हैं, तो हम कहेंगे पुट द स्मॉल बोल्स अपसाइड डाउन, यानी ऊपर की चीज नीचे, यानी उल्टा करके, पुट द स्मॉल बोल्स अपसाइड डाउन, उसे उल्टा करके रखो और बैठ जाओ। अब दोस्तों मैं उसकी बात कर रहा हूं, जैसे कि आपने सब्जी वालों को देखा होगा जो सब्जी बेचते हैं, तो जिस टोकरी में सब्जियां लेके आते हैं ना, तो जहां पर वो बेचते हैं, तो कई बार क्या होता है वो उन्हें उल्टा करके उनके ऊपर ही बैठ जाते हैं, कुछ बड़े से बॉक्सेस होते हैं वो, उनको उल्टा करके वो बड़े स्ट्रांग होते हैं, उन पे बैठा भी जा सकता है। तो मैं कह रहा हूं भाई उल्टा कर इसी पे बैठ जा, क्या तेरे लिए अब चेयर लाऊंगा मैं, टर्न इट अपसाइड डाउन एंड सिट, टर्न इट अपसाइड डाउन यानी इसे उल्टा कर और बैठ जा। अब फ्रेंड्स अपसाइड डाउन का मीनिंग एक और सेंस में हो सकता है, जब हम कहना चाहते हैं कि कोई चीज एकदम इधर की उधर हो गई है, सब कुछ फैल गया है, जैसे उसने पूरे घर का सामान इधर से उधर कर दिया, पता नहीं क्या ढूंढ रहा था घर में वो। ही टर्न्ड द होल हाउस अपसाइड डाउन, ही टर्न्ड द होल हाउस अपसाइड डाउन। वैसे एक साल पहले अपसाइड डाउन और इनसाइड आउट पे मैंने एक वीडियो बनाई थी स्पेशल, आप उस वीडियो को देख सकते हैं अगर चाहे तो। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ओके फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।